मतलब जीरा पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर मिक्स जो वो डाल रही हूँ उसके ऊपर। ये बन चुका है लगभग, देखिए सूख गया है। दोस्तों आज मैंने देखा है गूगल पे कि आज अच्छे से धूप निकलेगा, अब कितना सच है कितना नहीं पता नहीं है, कभी कभार गूगल भी धोखा दे जाता है हमें। अभी मम्मी पानी निकल रही है, अभी गमले में रख रहे हैं, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे। हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है, और सभी को अभी जैसे कि सुबह का वक्त है तो सभी को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात मेरी तरफ से। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि केले के फूल से और नारियल की मलाई से हमारे घर पे एक डिश बनता है, एक तरकारी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ऐसा लगेगा कि आप चिकन खा रहे हो, है ना, तो उस तरह का स्वाद होता है। तो मम्मी वो बनाने वाली है, तो वो कैसे बनता है क्या होता है सारा चीज़ मैंने ब्लॉग में कवर किया है, तो जानने के लिए ब्लॉग को आगे तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, बताना ना भूलिएगा। मम्मी यहाँ पे भी नारियल को तोड़ेगी, पानी गिरता है, पानी गिरी पानी। तो दोस्तों मम्मी अभी नारियल को फेंद रही है, ये जो निकल रहा है ना नारियल का, अभी इसको दूध बनेगा, कोकोनट मिल्क, ये देख लीजिए कोकोनट मिल्क, इसी मिल्क से बनेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोकोनट मिल्क डालेगा डलेगा उसमें उसमें कोकोनट मिल्क, उसमें कोकोनट मिल्क और जो हम लोगों ने निकाला है ना नारियल का जो मलाई है, जो पतला सा मलाई है वो भी डलेगा, वो जो है लाइक क्यूब साइज़ में, जैसे कि पनीर होता है ना छोटा छोटा, उस तरीके का पनीर का साइज़ में काटेंगे उसको, फिर उसमें डालेंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। मम्मी इसको निकाल रही है क्योंकि इससे दूध निकालना है। दूसरा वाला ये भी डालेंगे क्या मम्मी? हाँ ये वाले भी डालेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह जैसे ही मैंने ब्लॉग शुरू किया, मैं आस्ते से वो क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्ड आके बैठे हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, करीब जाने की कोशिश करता हूँ, उड़ जाएंगे शायद करीब जाऊँगा तो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को व्लॉग में लेने की। उड़ मत जाना, उड़ मत जाना, उड़ मत जाना, एक साथ बैठे हैं, ये देखिए उड़े और उड़ गए आए। मौसम बड़ा प्यारा है ना, तो प्यारे प्यारे मौसम में प्यारा प्यारा डिश आज पकाएंगे और खाएंगे। काट रही है प्याज लहसुन सब कुछ, इसको बोठी बोलते हैं गाँव की भाषा में, चाकू वगैरह से नहीं काटते, एकदम वही प्रोसेस है जैसे चिकन पकाते हैं ना उसी तरह, प्याज है लहसुन है, ऐसे मैंने कहा था ना चिकन जैसा लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बताया ना मलाई, ये देखिए जो नारियल का मलाई होता ना, ये हिस्सा जो है ना ऊपर, ये सफाई करके निकाल देंगे, ये देखो हम काटता है, ये देख लीजिए ये पतला वाला है, मोटा नहीं है ज्यादा, अब देख लीजिए पतला है ये, इस तरह करके सफाई करना, इसको सफाई करके फिर इसको पकाएंगे, ये देखो सफाई, इस तरह पतला पतला टुकड़ा करना, अच्छा देखने में एकदम पनीर जैसा दिखता है, देखो देखने में पनीर जैसा लगेगा। चावल बन रहा है, यहाँ पे मम्मी ने पानी गर्म करके रखा है, ये रहा बड़े बड़े साइज के, हम लोगों ने काट के जो केले का जो फूल है ना उसको निकाल लिया है, इसको उबाल कर रख दिया है, ये ऐसा दिखेगा काटने के बाद, और उसको ऊपर का जो कवर है ना, जो कवर बहुत सारा रहता है उसको निकालने के बाद जो फ्रेश वाला है अंदर है, जो थोड़ा सा रॉ टाइप का है ना नरम टाइप का, उसी को निकाला है, ऐसा नहीं केले का फूल तो बाहर साइड में जो है वो नहीं डाला है, आप लोग वो मत सोचिएगा कि वो डाल दिया है, लेकिन वो नहीं डाला है, उसका जो अंदर में जो रहता है ना बहुत सारा कवर चढ़ाया रहता है, जैसे प्याज का बाहर का छिलका होता है ना, बहुत सारा छिलका निकालो तो निकलता जाएगा, उसी तरह उसका भी वैसे ही है, बहुत सारा छिलका निकालने के बाद अंदर का एक छोटा सा पोर्शन होता है उसको निकालने के बाद इतना सारा निकला है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक से ही निकाला है हम लोगों ने, दो तीन चार पांच ऐसा होगा, क्योंकि इसको पकाने के बाद ये और भी छोटा हो जाएगा, मतलब इसके सूख जाएगा, फिर ये थोड़ा सा दो तीन केला फूल चाहिए, दो तीन केला फूल चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। हाँ मैंने भी दाल में तड़का लगा दिया है, बाकी ये नारियल का दूध और ये केले का जो फूल है वो, और ये नारियल की मलाई, ये रेडी है हमारा। तो थोड़ी देर बाद इसको मम्मी क्या है फ्राई करेगी नारियल के मलाई को, दिखने में एकदम पनीर जैसा लग रहा है, पतला पतला ऐसा करके काटा है ना, दूर से देखो तो पनीर जैसा दिखता है, कई लोगों को ऐसा देखना, पहले हमारे देखेंगे
तो उनको लगता है पनीर ही है। दिन जब टेस्ट करते थे, अच्छा ये मसाला वगैरह मम्मी रेडी कर रही है वहाँ से निकाल निकाल के, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला और हल्दी मिर्ची डालेगा, और हल्दी और मिर्च, बस इतना ही सब कुछ है जैसा चिकन पकाते हैं उसी तरह है ना। चिकन चिकन जैसा बनाना है। मलाई जो है ये अभी थोड़ा हल्दी डाल के नमक डाल के फ्राई करेगा पहले। अच्छा। फ्राई करने का बाद फिर वो केला फूल फ्राई करेगा, उसका साथ मिक्स करके दूध डाल के पका देगा। मम्मी जीरा हमारा नारियल का जो मलाई है वो फ्राई हो चुका है। और ध्यान रहे नारियल का मलाई जो होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। हाँ। एकदम पतला वाला मलाई मत ले लेना, फिर वो फ्राई नहीं होगा, वो पिघल जाएगा फिर। चलो अभी प्याज डाल रही है, प्याज डाल रही है मम्मी। धूप अच्छा आ रहा है बाहर। प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद फिर डाला जाएगा अभी इसमें लहसुन। प्याज थोड़ा सा ब्राउनी होने के बाद अभी लहसुन, अभी डाला जा रहा है केले का फूल। केले का फूल डालने के बाद मम्मी इसको थोड़ा सा भूनेगी, भूनने के बाद फिर केले का दूध जाएगा और थोड़ा सा नमक, एक स्पून नमक दिया है मम्मी ने। इसमें डाल रहे हैं मम्मी, डाल रही है मिर्ची, आपके स्वाद के अनुसार मिर्ची डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो तीखा बन जाएगा। ये नारियल का जो मलाई है जो हम लोग ने निकाला था अब डालेंगे हम लोग नारियल का दूध। मम्मी डाल रही है इसको आराम से, अब इसको तब तक के थोड़ा पकाया जाएगा जब तक ये दूध थोड़ा सा सूख ना जाए। और ये ऐसा नहीं कि ग्रेवी टाइप बनेगा, ग्रेवी टाइप नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसको सुखाना है। तो अभी तो मम्मी ने नारियल का दूध दे दिया, स्वाद अनुसार नमक मम्मी ने दे दिया है। अभी कितने देर तक पकाएंगे मम्मी इसको? सूखने के बाद लगभग 15 मिनट या आधा घंटा या जिसको जितना टाइम लगे, है ना? 10 मिनट। अच्छा, मतलब जीरा पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर मिक्स जो वो डाल रही है इसके ऊपर। ये बन चुका है लगभग, देखिए सूख गया है, बनता है जो बन गया। अभी गरम मसाला आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, बस गरम मसाला। अब ये पक चुका है, मम्मी अभी इसे निकालने वाली है। तो दोस्तों एक बात बता दूं, इसको एक बार ट्राई करोगे ना, इसको एक बार खा के देखोगे, ट्राई कर खा के देखो बना करके, चिकन होता है उसको भूल जाओगे आप, बार बार यही मांगोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं। देखिए मम्मी भी निकाल रही है इसको, इसको निकाल चुकी है। तो बन चुका है हमारा आज का स्पेशल डिश, केला फूल का डिश।
दोस्तों आज का हमारा वन ऑफ द रेयर रेसिपीज हम लोगों ने कवर किया है आपको, जैसे मैंने दिखाया है। मम्मी भी रेडी होकर हम लोग जा रहे एक जगह, मेरे भैया को मैंने हम लोगों ने कल बताया था कि आलू लाने के लिए बाजार से, वो ला करके गाड़ी का जो उसका घर है वहाँ पे रखा है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए दिखाएंगे आपको। और बाय द वे एक चीज़ बता दूँ आप लोगों का, इस कुछ दिन से ना सवेरे सवेरे थोड़ा सा फॉगी हो रहा है और रात को थोड़ा ठंड जैसा पड़ रहा है, क्योंकि भी दिसंबर और जनवरी आने वाला है ना बहुत जल्दी। उसका वहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा वहाँ पे फॉगी है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, मुझे थोड़ा जुकाम है। मम्मी को भी है ना मम्मी जुकाम? हाँ, नाक के अंदर थोड़ा सा दर्द ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को। दोस्तों पापा यहाँ पे नारियल को छील रहे हैं, ये ऊपर से गिर करके यहाँ पे जो इकट्ठा होता है उसी को छील रहे पापा। अभी वहाँ पे मेरी दुल्हन दोस्तों आज मैंने देखा है गूगल पे कि आज अच्छे से धूप निकलेगा। अब कितना सच है कितना नहीं ये पता नहीं है, कभी कभार गूगल भी धोखा दे जाता है हमें। दोस्तों हम पहुँच गए यहाँ पे, ये हमारा गाड़ी का घर, यहाँ पे एक छतरी रखा हुआ है। कहाँ है आलू रखा है? हाँ मिल गया, ये दे, मिल गया आलू। आलू ले लिया है, अभी घर के तरफ वापस जा रहे हैं। जाने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगा है आज। गांव में अगर आप लोग गांव में कभी आओगे रहोगे तो यहाँ पे अगर कोई 6 बजे उठता है, 6:30 बजे उठता है ना, तो कोई भी अगर लड़का हो लड़की हो तो सब उसको बोलते हैं आलसी, क्योंकि गांव में रिवाज है सब 5 बजे या 5:30 बजे के अंदर उठ जाता है। मैं स्पेशली 5:30 बजे उठ जाता हूँ, उससे पहले नहीं उठा जाता मुझसे। सुबह का ब्रेकफास्ट लग चुका है, अभी मम्मी दाल परोस रही है, उसके बाद हम अपना आज का रेयर रेसिपीज, वन ऑफ द रेयर रेसिपीज को ट्राई करेंगे। साथ जा रहा है अभी केले का फूल और नारियल से बना हुआ, नारियल के मलाई से बना हुआ सब्जी, टेस्ट करके देखते कैसा बना है। मैं जेन्युइन सा रिव्यू दूंगा, ऐसा नहीं कि अगर अच्छा नहीं भी बना तो भी मैं बनाऊँ बहुत अच्छा बनाए, टीवी पे जैसे कुछ कुछ शेफ ऐसा करते हैं। अच्छा बना, तीखा थोड़ा कम है, अच्छा बना लेकिन तीखा थोड़ा कम है। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया है कंप्लीट, और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ, वहाँ पे जितना भी सुपारी गिरा है उसे अभी उठाना है। वहाँ पे सारा खेत में सुपारी गिरा पड़ा है नीचे, पानी को फेंक दे रहा हूँ मैं इसी के अंदर, पानी को फेंक दिया मैंने, इसी के अंदर मैं सुपारी को कलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे भी गिरा है, ये बाद में आके मैं निकालूँगा, अभी जाते खेत की तरफ। और एक एक करके सुपारी को ढूँढ रहा हूँ कहाँ कहाँ गिरा हुआ है, पता लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखो यहाँ पे एक है, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसको क्यों लिया है, बैग भी तो ले सकता था, लेकिन बैग में होता है कि इसमें ये खुला हुआ है, ऐसा मैं सुपारी को उठा के सीधा ऐसा डाल सकता हूँ, ईजिली पड़ जाता है वो चीज़ मेरे लिए। तो और देखते कहाँ कहाँ है सुपारी, यहाँ भी है नहीं, ये नहीं है, और कहाँ दिख रहा है इस तरफ। अब इसको लेके जाके रखते हैं सुपारी के ढेरी पे, जहाँ पे हम लोगों ने पहले जो सुपारी रखा था। आज का हमारा काम हो गया है पूरा, मैंने सारा सुपारी को अपने खेत से लेकर के इस वाले ढेर पे रख दिया है। और अभी तो दोस्तों अभी जा रहे हम नहाने के लिए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया है, ये सब बाल्टी वगैरह ले लिया है, और वहाँ पे जो कुआ है उस कुएँ पे जाके नहाएंगे, वहाँ पे कुआ है उस कुएँ पे जाके हम लोग नहाएंगे। अभी मैंने सब कुछ ले लिया है, टावल लाना भूल गया शायद। अभी मम्मी पानी निकल रही है, अभी गमले में रख रहे हैं, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे। नहाना हो चुका है कंप्लीट कुएँ के वहाँ से, मम्मी पापा भी नहा रहे, मैं चलता हूँ घर। अभी घर जाके फिर तैयार हो जाऊंगा, तैयार होके खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे।
नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ पे, हर रोज सुबह 8 बजे चला जाता है। तो दोस्तों नहा धो लिया है, अभी हो चुका हूँ तैयार, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है और अभी पापा लोग भी आ गए हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, फिर जाओ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब आता है नहीं आता है। और अभी तक ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट मेरे चैनल में मिलती रहेगी। और तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय।